पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद इनकी एक शाखा ने रणथंभौर में चौहान वंश को बसाया। इनकी एक और शाखा पहले नाडोल पाली गई और नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने सन 1181 ईस्वी में जालौर में सोनीराज चौहानों की नींव डाली। कई चौहान वंशी राजाओं के बाद यहाँ साल 1305 ईस्वी में कांवरदेव चौहान का राज्याभिषेक जालौर के राजगद्दी पे किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्षत्रिय धर्म की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जालौर के प्रतापी राजा कांवरदेव चौहान के बारे में। कांवरदेव चौहान, जिन्होंने जालौर का नाम इतिहास के सुनहरे पत्तों में दर्ज कराया था, महाराज सामंत सिंह के बेटे कांवरदेव चौहान, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कई बार धूल चटाई थी, एक स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेमी राजा की एकमात्र संतान थी वीरमदेव। वीरमदेव निहायत ही सुंदर और गठिले बदन वाले एक राजकुमार थे। इन दिनों तो वीरमदेव कुश्ती के दाव पेच भी सीख रहे थे। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक निहायत ही कपटी और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का सुल्तान था। साल 1296 में अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मारकर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अपने चाचा जलाउद्दीन को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हटी हमीर को हराकर रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद साल 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी को मारकर चित्तौड़ को भी अपने अधिकार में कर लिया था और अब उसका पूरा ध्यान गुजरात पर था। गुजरात के लिए उन दिनों सीधा रास्ता रणथंभौर के बाद जालौर से होते हुए निकलता था। रणथंभौर को तो अलाउद्दीन पहले ही अपना बना चुका था, यहाँ तो उसके लिए रास्ता साफ था, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बाधा थी तो वो थी जालौर। इधर जालौर में अब तक राजा कांवरदेव का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। प्रतापी राजा को पाकर जालौर की प्रजा भी अमन और चैन की वंशी बजा रही थी। जालौर की हवाओं में खुशियों की सुगंध फैली थी। राजा कांवरदेव का बेटा वीरमदेव अब किशोर अवस्था पार कर चुका था। वीरमदेव का शरीर और भी मजबूत, कुठिला और आकर्षक बन गया था। साथ ही वीरमदेव की कुश्ती के डंके अब चार और बजने लगे थे। जालौर के वातावरण में एक नई उमंग दौड़ आई थी। इसी उमंग के बीच अचानक एक दिन एक पत्र जालौर के राज दरबार में पहुँचता है। इस पत्र पर लगी मोहर को देखकर राजा कांवरदेव की आंखों में आग उगलना शुरू कर दिया। इस पत्र पर खिलजी वंश की मोहर लगी हुई थी और यह पत्र दिल्ली राज दरबार से आया था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। इस पत्र में भी खिलजी ने राजा कांवरदेव चौहान से गुजरात जाने के लिए रास्ता देने का अनुरोध किया था। उबलती हुई आंखों से कांवरदेव ने पत्र को पढ़ा और अलाउद्दीन को प्रति उत्तर में लिखा कि सुनो अलाउद्दीन, तूने मेरे कई राजपूत भाइयों को मौत के घाट उतारा है और अब तुम मेरे ही हिंदू भाइयों को मारने के लिए फिर से मेरे से ही रास्ता मांग रहे हो। अलाउद्दीन, तुम अनेक गांवों को उजाड़ा है, ब्राह्मणों का दमन किया है, गायों का वध भी किया है और महिलाओं की इज्जत को लूटा है। तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुम्हें रास्ता दूंगा? मैं तुझे रास्ता तो क्या जालों में बांह भी रखने नहीं दूंगा। अलाउद्दीन ने ऐसे उत्तर की अपेक्षा तो कांवरदेव से नहीं की थी, लेकिन अलाउद्दीन के लिए इस समय कुछ महत्वपूर्ण था तो वो था गुजरात अभियान, क्योंकि अलाउद्दीन जानता था गुजरात से मिली धन संपदा उसकी सैन्य गतिविधियों को और अधिक मजबूत बनाएगी, जो उसने साम्राज्य विस्तार की गति प्रदान करेगी। इसीलिए अलाउद्दीन ने जालौर को छोड़कर इस बार तो अपनी सेना चित्तौड़ से होते हुए गुजरात भेजी। गुजरात पहुंचने के बाद अलाउद्दीन की सेना ने वहां जमकर लूटपाट की और मंदिरों में तोड़फोड़ की। साथ ही सोमनाथ मंदिर में लगे शिवलिंग को ध्वस्त कर टुकड़ों में तोड़ दिया और अपने साथ ले लिया। इस बात की खबर जब कांवरदेव को लगी तो कांवरदेव ने बिना समय गवाए लौटती अलाउद्दीन की सेना पर एक करारा आक्रमण कर सारी धन संपदा लूट ली और शिवलिंग के टुकड़ों को भी छीन कर वापस जालौर ले आए और वहां जाकर शिवलिंग के टुकड़ों को गंगा जल से धोया और गंगा जल से धोने के बाद उन टुकड़ों को जालौर के मंदिर में स्थापित कर दिया। कांवरदेव के इस आक्रमण से जान बचाकर गिरती पड़ती अलाउद्दीन की सेना वापस दिल्ली पहुंचती और सारा वाक्य अलाउद्दीन खिलजी को सुनाया। अपनी लूटी सारी धन संपदा को जाते देख अलाउद्दीन आग बबूला हो उठा और अपने सेनापति मुल्तानी को बुलाकर जालौर पर आक्रमण के आदेश दे दिए। आक्रमण का आदेश पाकर मुल्तानी एक बड़ी सेना लेकर जालौर की ओर निकला। जालौर पहुंचने के बाद जब मुल्तानी ने जालौर का बड़ा दुर्ग देखा तब वो समझ गया था कि इस दुर्ग को आसानी से नहीं जीता जा सकता। मुल्तानी ने तो आक्रमण का इरादा ही त्याग दिया, बल्कि उल्टा कांवरदेव से संधि करने के लिए प्रार्थना करने लग गया। साथ ही दिल्ली दरबार चलने की भी विनती करने लगा। कांवरदेव ने मुल्तानी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली, लेकिन दिल्ली खुद नहीं गए बल्कि अपने बेटे वीरमदेव को दिल्ली भेजा।
पिता की आज्ञा के अनुसार वीरमदेव मुल्तानी के साथ दिल्ली आ पहुँचे। दिल्ली दरबार पहुँचने के बाद एक दिन वीरमदेव दिल्ली के दरबार में बैठे अलाउद्दीन से संधि को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा भी दरबार में आ पहुँची। वीरमदेव की कुश्ती की बातें तो फिरोजा ने खूब सुनी थी, लेकिन कठिला बदन और आकर्षक व्यक्तित्व तो पहली बार देखा था। वीरमदेव का आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता देख अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा वीरमदेव पर मोहित हो गई। फिरोजा को वीरमदेव से पहली नज़र का प्यार हो गया था। फिरोजा ने तुरंत ही वीरमदेव को शादी का प्रस्ताव भी दे डाला, लेकिन ये प्रस्ताव वीरमदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में वीरमदेव दिल्ली छोड़ वापस जालौर लौट आए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बेटी तो जीत पकड़ कर ही बैठ गई थी कि शादी करूँगी तो वीरमदेव से, नहीं तो सारी उम्र कुंवारी रहूँगी। बेटी की जीत के आगे खिलजी की भी एक नहीं चली। फिरोजा का वीरमदेव से शादी का विचार अलाउद्दीन को भी खूब जमा, क्योंकि अगर फिरोजा की शादी वीरमदेव से हो जाती है तो दिल्ली से गुजरात का सीधा रास्ता अलाउद्दीन को आसानी से मिल जाएगा। यही विचार लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से विवाह का प्रस्ताव अपने दूत के साथ जालौर भिजवाया। लेकिन इस बार प्रस्ताव को पढ़ते ही वीरमदेव ने फाड़ दिया और प्रति उत्तर में कुछ ऐसा लिखा जिसको अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया। वीरमदेव ने प्रति उत्तर में ऐसा क्या लिखा था जिसको अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया था, ये आप जानेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।